कांग्रेस सांसदों के नारे के बीच इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। स्पीकर ने जो स्थगन प्रस्ताव था उसे खारिज कर दिया और इस वक्त भी हंगामे के बीच प्रश्नकाल जारी है। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ माने जाने वाले छोटा शकील से आज तक की खास बातचीत हुई है, जिसमें उसने याकूब समेत दाऊद को मुंबई बम धमाके के आरोपों से बरी कर दिया है। छोटा शकील ने आज तक से फोन पर बातचीत में यह भी कहा कि टाइगर मेमन ही असली गुनहगार है और उसके गुनाहों की सजा याकूब को दे दी गई। शकील भाई, ये जो याकूब मेनन को जो फांसी हुई है उस पर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या किस तरह से देखती है डी कंपनी इसको? और डी कंपनी क्या बोलती है इसके ऊपर, वो बात छोड़ें। हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, हिंदुस्तान की अदालत है, उन्होंने क्या किया याकूब के साथ? इंसाफ को फांसी पे चढ़ा दिया नहीं, बेगुनाह आप कैसे कह सकते हैं? बेगुनाह कह सकते आप? पूरी दुनिया चिल्ला रही है, वीर अमन ने क्या कहा वो देखें आप। नहीं, लेकिन खुद जो स्टेटमेंट देखें, ये आदमी हाजिर हुआ है, सरेंडर किया है और उसने सारे डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो हर उसने दी है। माफी रहमान ने क्या कहा कि मैंने वो वीडियो सुनी है, सर ऑडियो सुनी है, वीडियो देखी है, मैंने पूरा स्टेटमेंट देखा है मैंने, तो उसको आप लोग रिलीज करें कि उसमें दाऊद भाई का क्या है। दाऊद इब्राहिम सामने आ जाएगा। दाऊद मेरा जहां तक ख्याल है कि याकूब को ये इसलिए सजा दी गई है कि उसने दाऊद भाई को इस केस के अंदर क्लियर किया है। वो पूरा न्यूज आप देख लें, लाइव दिखाया है उसका स्टेटमेंट, उसने खुद ही कहा था जिसमें दाऊद भाई का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो जो कैसेटें सुनी गई है डिपार्टमेंट के पास रखी हुई है, जो याकूब ने ले गया है इनके पास एविडेंस के बतौर, क्या कैसेटें ले गई है, क्या कैसेट है, उस कैसेट में क्या है? सुन लो मेरी बात, पहली मेरी बात सुन लो जी। उन ऑफिसरों से पूछो जो इसके थे, जब बी रमन ने आंखें खोली है सबकी जी, दिखाया है उज्जवल निगम जो है उसको उससे काउंटर करता है। नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि याकूब निर्दोष है इस मामले में? याकूब ने तो खुद गुनाह कबूला है। यार, गुनाह कबूला नहीं है, थोपा गया है उसके ऊपर। अब चूंकि याकूब आदमी एक बात सुनो, वो बेगुनाह था इसलिए हर जगह वो दौड़ा इंसाफ के लिए। आपका नीचे से लेके ऊपर का सदर तक किसी ने भी उसकी रहम की अपील को मंजूर नहीं किया। याकूब ने तो खुद गुनाह कबूला है। यार, गुनाह कबूला नहीं है, थोपा गया है उसके ऊपर। एक ही दिन के अंदर चार पिटीशन खारिज करते हो तो किस तरह हम ये आप लोगों पे भरोसा करें, किस तरह अदालत पे भरोसा करें, किस तरह कानून पे भरोसा करें? क्या आप ये मानते, क्या डी कंपनी मानती, क्या दाऊद इब्राहिम ये मानते हैं? उन्होंने पहले भी कहा है कि टाइगर मेमन से उनकी जान पहचान थी, टाइगर मेमन इस धमाके में शामिल या नहीं है, जैसा आपने कहा ये सही है? देखिए भाई, डी कंपनी की हर जगह पहचान है, डी कंपनी को हर लोग जानते हैं, डी कंपनी ने ये क्या किए आपके ऑफिसर्स भी जानते हैं। ऑफिसर्स ने खुद आके टीवी पे इंटरव्यू दिया है, वो सीबीआई का ऑफिसर सरदार, उससे पूछ ले जाके कि इसमें दाऊद भाई का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके उसको लाकर यहां करोगे क्या? कोई एविडेंस नहीं है। क्या टाइगर में इस केस के मामले में कल पूरी दुनिया ने देख लिया है, आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि याकूब मेमन के साथ तुम लोगों ने क्या किया, क्या इंसाफ किया है? नहीं, अदालत ने इंसाफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा, अदालत छोड़ो, अदालत को तो मानते ही नहीं है, ये इंसाफ है, ये बदले का इंसाफ है, बदला लिया है तुमने एक आदमी से, तो भी आता है बदला लेना।